हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर अपन पैडागोजी के पार्ट टू के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे एज प्रीवियस। ओके, इस वीडियो के अंदर अपन पैडागोजी के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं ना, वो पिछली वाली वीडियो के नेक्स्ट वर्जन होगा। इट मीन्स जो पहले 20 क्वेश्चन कर चुके हैं ना अपन, उस 20 क्वेश्चन के नेक्स्ट वर्जन होगा वो। ठीक है, ये आपने पार्ट वन नहीं देखा तो प्लीज़ उसको पहले कंसिडर कीजिए, वो आपका बेसिक कंसेप्ट कवर करेगा। आफ्टर देन इस पार्ट टू को देखना। ठीक है, ओके गाइस, तो अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो है ना, इसको आप पैडागोजी का सब सब डिवीजन पार्ट बोल सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के एमसीक्यूज करवाऊंगा बेसिकली। ठीक है, पैडागोजी का अंदर से होता है कि आप एक जो आपका जो तौर तरीका होता है, हिंदी में बताऊँ तो आपको तौर तरीका होता है, तौर तरीका वर्ड्स होता है, उसी को अपन पैडागोजी का नाम दे दिया गया है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, बेसिकली ये तो बेसिकली अपन पैडागोजी की स्किल्स के बारे में बात करते हैं कि पैडागोजी की स्किल्स क्या होती है। पैडागोजी की स्किल्स बेसिकली तो मतलब कि बाय द हेल्प ऑफ टीचर्स स्टूडेंट्स को कैसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, और लाइक एक क्लासरूम है, उसको मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है, कैसा बिहेवियर होता है टीचर्स का, उस सब उन सभी चीज़ों को अपन एक तरह से पैडागोजी का जो कंसेप्चुअल है ना, उसके अंदर जो स्किल्स, एक टीचर की स्किल होती है, उसी को यहाँ पे अपन पैडागोजी की स्किल्स बोल रहे हैं। और टीचर्स बेसिकली किस वे के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कैसा मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, उनकी उनके अकॉर्डिंग स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग उसको सिखाते हैं कि आप पेरेंट्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे, और लाइक कलीग्स हो गए अपने, लाइक क्लासमेट हो गए अपने, ठीक है, और कलीग्स हो गए है ना, उन सभी साथ अपना मतलब कि कोलेबरेट कैसे करना है। ठीक है, या फिर किसी भी अननोन पर्सन से कैसे टॉक करना है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पे बातें करने वाले हैं, और इन सभी चीज़ों को होते हैं लाइक आपको मैं टॉप 3-4 बता देता हूँ कैसे कैसे होती है। इसी के साथ मैं अपन यहाँ पे अपनी 21 नंबर क्वेश्चन है, मैंने 20 क्वेश्चन जो है आपके पहले पार्ट वन के अंदर कंसीडर कर लिया हूँ। ठीक है, आप उनको देखिए, इस वीडियो के बाद आप उनको देखना, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी, वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपका यहीं से बिल्ड होगा। मतलब कि ये जो पैडागोजी की मैंने सीरीज बना रहा हूँ, नेक्स्ट मैं इसके अंदर 4-5 वीडियो होंगी, इसके थ्रू ना आपको एक अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाती है, और इसके थ्रू फिर अपन क्या हो सकते हैं लाइक कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन आएंगे पैडागोजी से रिलेटेड, तो आप उनको इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री विद रेस्पेक्ट टू फाइन मोटर मूवमेंट। ओके, ये फाइन मूवमेंट मोटर क्या होता है, पहले इसको कंसिडर करते हैं। बेसिकली अपने फाइन मोटर मूवमेंट जो है ना, ये जैसे डेवलपमेंट का बोल सकते हैं आप, लाइक किसी भी पर्सन, किसी भी चाइल्ड का ग्रोथ, लाइक चाइल्डहुड से लेकर आप एक तरह से अडल्ट जो एज होती है ना, वहाँ से मतलब एक जो डेवलपमेंट होता है ना किसी भी न्यू चाइल्ड का, उसी से रिलेटेड यहाँ पे इस वर्ड को यूज़ किया जाता है बेसिकली इसके अंदर पैडागोजी के अंदर। ठीक है, ओके, लेट मूव इट। ओके, या फाइन मोटर मूवमेंट होता है बेसिकली लाइक मूवमेंट किसी भी स्मॉल जो लाइक आई हो गया आपका, ठीक है, आई हो गया, नॉइज़ हो गया आपका, हैंड्स हो गए, ठीक है, इस लाइक बॉडी पार्ट जो ना आपके पास आई हो गया, ठीक है, नॉइज़ हो गया, हैंड्स हो गए आपके, ठीक है, इन सभी का जो मूवमेंट होता है ना, लाइक आपके फिंगर्स हो गए, इन सभी का जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट का जो कोऑर्डिनेशन हो गया एक तरह से, ये एक तरह से जो मूवमेंट ना, इसी मूवमेंट को फाइन मोटर मूवमेंट बोला जाता है। तो इसी से, इसी के रेस्पेक्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वॉट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री विद रेस्पेक्ट टू फाइन मोटर मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक तरह से कंसिडर कर सकते हो, लॉजिक क्वेश्चन होता है, लॉजिकली क्वेश्चन बनता है यहाँ पे डॉट जॉइनिंग डिटेक्शन, ऑप्शन में बोल रहा हूँ यहाँ पे डॉट जॉइनिंग डिटेक्शन और हैंड राइटिंग सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप इसके अंदर लाइक देखो, ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन टर्मिनेशन की एक स्किल होती है, आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ईजिली अडेप्ट कर सकते हो, इजिली सोल्व कर सकते हो। डॉट जॉइनिंग का मतलब क्या होता है, डॉट जॉइनिंग का मतलब होता है लाइक आप छोटी क्लासेस के अंदर आप देखते होंगे ऐसे डॉट्स होते हैं कि आप उनको मतलब कि कंबाइन करके किसी भी न्यू वर्ड को आप लाइक डेवलप कर सकते हो। ठीक है, या पर कोई भी न्यू वर्ड बन जाता है, ठीक है, दैट इज़ डॉट जॉइनिंग। ये क्या हो गया, लाइक आपकी स्किल होगी। ठीक है, किसी भी चाइल्ड की डेवलपमेंट के अंदर आप अपन इस तरीके की जो एक मेथडोलॉजी होती है ना, उस उनको फॉलो करते हैं एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। ठीक है, बेसिकली टीचिंग सेंस के ऊपर ही पैडागोजी का डेवलपमेंट हुआ है, यहीं से मैं उसकी बात करूँगा। डोर ज्वाइनिंग का मतलब बता दिया मैंने आपको, ये आप इसके लोगे टीचिंग से, ठीक है, स्टडीज रिलेटेड। यहाँ पे देखो आप डिक्टेशन, डिक्टेशन का मतलब क्या होता है, लाइक कोई भी वर्ड्स होगी, ठीक है,
किसी भी वर्ड का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ना उसी को डिटेक्शन बोलते हैं। ये भी मतलब कि रिलेटेबल वर्ड्स जो है ना, मतलब किसी रिलेटेबल फील्ड के अकॉर्डिंग रिलेटेबल चीज़ें है ना, उन्हीं को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। हैंड राइटिंग ये भी कैसे स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है, ये भी स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है, ये भी स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे जो चीज़ें ना, सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये कुछ अलग ही कैटेगरी यहाँ पे इन लोगों ने डिफाइन कर दी। तो अभी आप कंसिडर कर सकते हो कि ईजिली इस चीज़ का आंसर जो होने वाला ना आपके पास, ये सेपरेशन ऑफ लाइक ये जो है ना, सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपके पास इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ना एक मेथड को समझते जाए ना कि ये जो कौन सा मेथड यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है उसी के बेसिस पे एग्जाम्स के अंदर बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके। तो 22 की बात करते हैं। एट द प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड वाइल राइटिंग इज गिवन इंपॉर्टेंस, दिस इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसके अंदर आप कंडीशनिंग का ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एमिले, कोई ऑथर है, कोई साइंटिस्ट वगैरह कुछ भी हो सकते हैं एमिले, द नोबेलिस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक एन, इसका आंसर आपके पास होने वाला है। पहले तो यहाँ पे ये कंसिडर कीजिए कि नोबेलिस्ट वर्क होता है क्या। नोबेलिस्ट वर्क होता है होनेस्ट मैन, लाइक होनेस्टी से रिलेटेड यहाँ पे नोबेलिस्ट को कंसिडर किया जाना चाहिए। ठीक है, ओके। तो होनेस्टी से मतलब आपका यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बनता है आपके पास हो जाएगा, गुड सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ से थोड़ा सा आपको मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। पहले क्वेश्चन को हिंदी समझ लीजिए, आप हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट फॉर अ टेस्ट। ठीक है, किसी भी लाइक टेस्ट के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं ना, तैयार करते टाइम मतलब कि जो इन लाइक किसी भी टेस्ट के जो ब्लूप्रिंट को तैयार करते टाइम पर किन किन बातों का मतलब किन किन चीज़ों को कंसिडर किया जाना चाहिए, ये किया नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ना आप जैसे देखो कि टॉपिक टाइम, टॉपिक को भी आप कंसिडर करोगे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को भी आप कंसिडर करोगे, फ्रॉम द क्वेश्चंस इसको भी कंसिडर करोगे, बट ये टीचिंग टाइम इसका जो कोई यहाँ पे कोई लाइक रिलेशन बिल्ड नहीं हो रहा, कॉम्बिनेशन हो नहीं रहा, तो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा टीचिंग टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन, ओके, of thoughts process including remembering problem solving and decision making is called। बेसिकली आपके पास यहाँ पे कुछ अजीब सा क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसके अंदर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो रहा है क्वेश्चन अंदर। लेकिन किसी भी इंक्लूडिंग मतलब रिमेंबरिंग याद रखने की और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, किसी भी समस्या का समाधान और डिसीजन लेने के मतलब के विचार प्रक्रियाओं के जो निर्माण होता है ना, इस संबंधित में मतलब कि अध्ययन के जो लाइक एरिया जो होता है ना, अध्ययन एरिया को क्या कहा जाता है, बेसिकली ये बोला जा रहा है आप यहाँ पे कि ऐसा कौन सा फील्ड है जिसके अंदर अपन मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की याद रखने वाली चीज़ों को डिसीजन मेकिंग को की प्रोसेस को अपन मतलब कि कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा फील्ड है, नीचे ऑप्शन भी दिया कि इनमें से कौन सा फील्ड ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसका हिंदी में मतलब होता है ज्ञान संबंध विकास। ठीक है, कॉग्निटिव ज्ञान संबंध, संज्ञात्मक बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी इज जस्ट साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, इस वर्ड के आप सिनोनिम्स देख लो, ठीक है, सिनोनिम्स देख लेना आप, तो बेसिकली साइकोलॉजी का यही आंसर होगा, साइंस ऑफ बिहेवियर। 27, द मोर ऑफन ए पर्टिकुलर एबिलिटी इज यूज्ड द डैश बिकम्स इट बिकम्स, इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, बेसिकली हो क्या रहा है, द मोर ऑफन ए पर्टिकुलर एबिलिटी इज यूज्ड इन द, इस क्वेश्चन का आप हिंदी देखोगे ना तो आपसे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो रहा होगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि आप किसी भी चीज़ को लाइक बार बार करोगे ना, किसी पर्टिकुलर चीज़ को या फिर किसी भी पर्टिकुलर एबिलिटी को आप लाइक बार बार करोगे ना, तो फिर वो मतलब कि क्या बनेगी। अपन मतलब कि नॉर्मल सुनते आए हैं यहाँ पे कि किसी भी आप एक काम को लाइक कंटिन्यूसली करोगे ना, ठीक है, कंटिन्यूसली एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीन बार करोगे, तो वो चीज़ ना आपकी मतलब कि आप बोल सकते हो कि बढ़िया होती जाएगी, बेहतर होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्वेश्चन यही बोल रहा है, द मोर ऑफन ए पर्टिकुलर एबिलिटी इज यूज्ड इट देन इट बिकम्स लाइक स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्गर। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया है नीचे की तरफ जो कि आपको इसको जस्ट अपोजिट होगा, अपोजिट वे में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का फैक्टर कौन सा नहीं है दिए गए ऑप्शन के अंदर। बेसिकली प्राइज एक मोटिवेशन का फैक्टर हो सकता है, लाइक ऑप्शन के थ्रू आप टर्मिनेशन यूज़ कर सकते हो यहाँ पे कि प्राइज या मोटिवेशन, इट इज़ ए मोटिवेशन फैक्टर, इंसेंटिव भी होता है, ठीक है, प्राइज भी होता है, प्रेज, प्रैक्टिस, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इनमें से बेसिकली आपका ऑप्शन जो सही होने वाला है ना वो होगा आपके पास प्रेज। प्रेज का मतलब क्या है, प्रेज का मतलब होता है लाइक परसेंट्स, आप बोल सकते हैं हैप्पी है, जो एक किसी की लाइक बड़ाई, किसी की बड़ाई करना, ठीक है, किसी को अच्छा बताना, प्रेज यहाँ पे उस चीज़ को कंसिडर करता है, दैट इज़ नॉट मोटिवेशन फैक्टर।
ठीक है, वो एक किसी भी मोटिवेशन का फैक्टर नहीं हो सकता वो चीज़ प्रेज करना। लाइक प्रैक्टिस और इंसेंटिव प्राइज, दीज आर द फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, बट प्रेज इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन अभी ऊपर बताया मैंने, ये सेम उसी का अपोजिट डायरेक्शन में, द लॉन्गर ए पर्टिकुलर एबिलिटी इज अनयूज्ड, लंबे समय से किसी पर्टिकुलर एबिलिटी को आप लाइफ अनयूज काम में नहीं ले रहे, तो फिर वो क्या बन जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी ना, वीक होती जाएगी वो चीज़। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप लाइक आपके पास कोई स्किल है, स्किल इन द सेंस लाइक क्या, कोई भी एग्जांपल देख लो, हाँ एक क्रिकेटर है, फिर बैट्समैन है कोई भी, वो मतलब कि कोई टाइम पे एक मतलब कि बढ़िया बैट्समैन हुआ करता था। ठीक है, अब उसने क्या किया कि मतलब कि उसको एक, हाँ एक टाइम बाद उसने छोड़ दिया, प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, उसने प्रैक्टिस कर करके उसने मतलब कि बढ़िया एबिलिटी बढ़िया स्किल डेवलप कर ली थी, बट उसने ना एक टाइम बाद में छोड़ दिया। अब उसको मतलब कि बहुत टाइम हो गया, लाइक 1 ईयर, 2-3 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ठीक है एंड सो ऑन। तो एक टाइम बाद है ना, यदि वो वापस खेलना स्टार्ट करेगा तो वो इस डायरेक्शन में नहीं खेलेगा, इन द सेंस मतलब कि जहाँ पे इसने मतलब इस टाइम की जो उसकी एबिलिटी थी ना वो यहाँ पे कम हो गई, क्योंकि इसने प्रैक्टिस नहीं प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था इसने। ठीक है, हाँ बेसिकली ये कंसेप्ट है इसका, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, वॉट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, या तो मैं आपको आंसर बताता हूँ पहले, या फिर इसका कंसेप्ट बता देता हूँ पहले क्या है। ठीक है, इसका आंसर आपके पास हो जाएगा प्री चाइल्डहुड, मतलब कि बचपन से पहले का। ठीक है, बचपन से पहले का इन द सेंस लाइक 2 से 6 ईयर का जो स्टेज होता है ना किसी भी इन्फेंट का, किसी भी लाइक छोटे बच्चे का, तो उसको क्या बोलते हैं, प्री चाइल्डहुड बोलते हैं। इसको अब एज ए बचपन, एज ए चाइल्डहुड कंसिडर करके चलो, तो ये एज ए लाइक चाइल्डहुड से थोड़ा बड़ा एज होती है, ये प्री मतलब कि प्री एडल्ट सेंस, ये हो गया आपके पास लाइक एडल्ट एज के अंदर, ये एडल्ट एज से जस्ट थोड़ा छोटा, ये फिर चाइल्डहुड से जस्ट थोड़ा छोटा, ठीक है, ये चाइल्डहुड से भी छोटा, ऐसे लाइक इस ऑर्डर के अंदर यहाँ पे ऑप्शन को मैनेज किया गया है। प्री चाइल्डहुड को आप कंसिडर करते हैं 2 से 6 ईयर के अंदर। ठीक है, इसको जस्ट मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, कुछ गंदा सा लग रहा है यहाँ पे। ओके, या क्वेश्चन 31, अकॉर्डिंग टू जेन पाइजट, चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड इस लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग, तो मतलब कि यहाँ पे बताइए आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, चार डिफरेंट डिफरेंट एजेस के आप बोल सकते हो कि इस एज के अंदर क्या मतलब कौन से स्किल होती है, इस एज के अंदर कौन से स्किल होती है एक बेसिक चिल्ड्रन के अंदर, किसी पर्टिकुलर चिल्ड्रन के अंदर, ये स्टेज बताई गया। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको लाइक सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन बेसिकली होती क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकी इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इससे ये जो टॉपिक है ना बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में है, कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि एक तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात होगी, सारे टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन जो भी एमसीक्यूज़ मैंने लिए हैं यहाँ पे, टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं, इन सभी के अंदर ना बेसिकली आप चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करोगे, और यही एक मोटिव होता है पेडागोजी का। ठीक है, ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन बता रहा ना सेंसोरी मोटर, इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मली किसी भी बच्चे के जीवन के स्टार्टिंग वाले 2 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है ना, दैट इज सेंसोरी मोटर स्टेज। बट यहाँ पे क्या बोला जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग वाला जो डेवलपमेंट होता है, लाइक एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिक और रीजनिंग स्किल का डेवलपमेंट होता है किस एज के अंदर होता है, अकॉर्डिंग टू जेन पाइजट। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका मतलब यह है कि लाइक 2 ईयर्स के आगे से ऑलमोस्ट 7 ईयर्स की जो एज तक रहती है ना, लाइक आप बोल सकते हो कि 2 ईयर्स एज जो होती है ना, 2 ईयर्स और 7 ईयर्स के जो बीच में, बिटवीन 2 ईयर्स एंड 7 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। ओके, अब ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं जो कि इसका राइट आंसर है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस एज में मतलब कि जो चाइल्ड चिल्ड्रन होता है ना, उसके माइंड में लॉजिक एंड कैलकुलेशंस लाइक सोल्विंग और मैथ्स की प्रॉब्लम या फिर सोल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स की जो लॉजिक क्रिएट होने लगते हैं, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ही डेवलप होने लगते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। और मैंने बता दिया कि ये जो सेंसोरी मोटर है ना, इसको आप बोल सकते हो कि लाइक स्टार्टिंग की टू ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पे आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो एज लाइक ये जो है ना, लाइक इसको आप बोल सकते हो कि 2 से 7 ईयर्स, और ये जो एज है ना लॉजिक एंड रीजनिंग वाली एब्स्ट्रैक्ट बिल्डिंग की है ना, इसके अंदर आप बोल सकते हो 11 to 12 एज वाली। ठीक है, ओके, और ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ये आपकी हो जाएगी लाइक 7 से 11 तक की एज, इसको आप ऐसे कंसिडर करोगे तो ये 11 से 12 हो जाएगी। इसके अंदर आपका बेसिक लॉजिक बिल्डिंग हो जाता है, यहाँ पे आपका कुछ बेसिक लॉजिक या कंसेप्ट बिल्ड नहीं होता इतना। ठीक है, ये आपका ये सीन हो जाएगा। तो इस पे मैंने और भी क्वेश्चन लिए हैं जो नीचे मिलेंगे आपको,
क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, टीचर स्टडीज पीपल्स ग्रुप बिहेवियर मेनली बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। लाइक स्टूडेंट्स का जो ग्रुप्स होता है ना, स्टडीज है ना, तो वहाँ पे मतलब कि एक टीचर कैसे ऑब्जर्व करता है कि मतलब कि ग्रुप्स को पढ़ाने के लिए कैसे एक तरह से ऑब्जर्व करता है, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये मतलब किसी ग्रुप को टीचर स्टडी मतलब पढ़ा सकता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअली किसी का इंटरव्यू नहीं लेगा, किसी को पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो रहेंगे, ठीक है। ओके, केस स्टडी में नहीं कर सकता वो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में नहीं कर सकते, इंटरव्यू में नहीं ले सकते, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 33, चिल्ड्रन आर यूजुअली ईगो सेंट्रिक ड्यूरिंग, मतलब कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि बच्चा लाइक अहंकार मतलब किस टाइम पे आ जाता है, किस एज के अंदर होता है बेसिकली। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंसोरी मोटर प्री ऑपरेशनल के अंदर, ठीक। ऑप्शन नंबर ए प्री ऑपरेशन सेंसोरी मोटर, ये आपको मैंने बता दिया कि जो कि देखो फर्स्ट वाला जो है स्टेज लाइक स्टार्टिंग 2 ईयर्स वाला फेज होता है, ठीक है। और ये वो प्री ऑपरेशन 2 to 7 ईयर्स का होता है, ठीक। इसके अंदर मतलब कि स्टार्टिंग से लेकिन इसके अंदर बच्चा लाइक चिड़चिड़ा आप बोल सकते हो, यहाँ पे चिड़चिड़ा एक वर्ड होता है ना, उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। कि क्वेश्चन 34, विच वन डज नॉट इंडिकेट चिल्ड्रंस इमोशंस, किसी भी बच्चे का लाइक चिल्ड्रंस इमोशन को कौन सा ऑप्शन नहीं कर पाता है यहाँ पे, तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा बेसिकली टॉलरेंस। ओके, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी लास्ट वाला ऑप्शन टॉलरेंस आपके पास हो जाएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं सहनशीलता। लिखने में मेरे को शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सहनशीलता। ओके, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू जेन पाइजट चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक एंड वेन एंटरिंग, मतलब कि किस एज के बाद मतलब कि चिल्ड्रन से ईगोसेंट्रिक नहीं रह जाते। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो आपको वैसे ही यहाँ पे मतलब कि कैंसिल आउट कर देना चाहिए, ठीक। ये भी आपको मतलब कैंसिल, ये फॉर्मल ऑपरेशन ये भी लाइक कैंसिल कर देना चाहिए, और इस एज के अंदर कंक्रीट और ऑपरेशन स्टेज इस एज को आपको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका आंसर आपके पास हो जाएगा टॉलरेंस, ठीक है। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इसका मतलब है बौद्धिक विकास, माइंड का जो डेवलपमेंट होता है बौद्धिक विकास है ना, वो यहाँ पे टॉलरेंस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू द आइजर्स थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट्स एज, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 7 ईयर्स, ठीक है, जो कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच क्लास ऑफ लर्नर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरीज, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास नॉर्मल कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने बट कंसेप्ट बिल्ड हो गया आपका तरह से कि पैडागोजी के अंदर किस कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको सोल्व करना होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग यदि आपने क्वेश्चन को लाइक अपने लैंग्वेज में अपनी भाषा के अंदर समझ लिया ना, तो ऐसे समझो कि आपको क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो रहा होगा, ठीक है। ओके, लेट्स रिमूव इट, श्योर। अकॉर्डिंग टू जेन पाइजट थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट द फॉर्मल ऑपरेशन, ये तो क्वेश्चन हो गया ना, नहीं हुआ। द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज स्टार्ट एट, मतलब फॉर्मल ऑपरेशन कौन सी एज में स्टार्ट होती है, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा 7 ईयर्स, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टरी लर्निंग। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप टीचिंग। मास्टरी लर्निंग का मतलब क्या है, मास्टरी लर्निंग, अब सिमिलर क्वेश्चंस को आप इजीली पुट कर सकते हो, लाइक यूज अल्टरनेट मेथड्स ऑफ टीचिंग, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एक्टिविटी, इनके अंदर ग्रुप टीचिंग ये कुछ डिफरेंट लग रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। हिट एंड ट्रायल भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो बेसिकली, ठीक है, हिट एंड ट्रायल। ओके, अब मेन बात जो है यहाँ पे, यदि आपको ये सारे जो क्वेश्चन ना लाइक आपको किसी पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए ना, ये मैंने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, ये पार्ट टू आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यदि आपको ये चाहिए इन द फॉर्मेट ऑफ पीडीएफ फाइल, ओके, तो फिर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इजीली। ये अपने चैनल की लिंक है बेसिकली, ओके, ये अपने चैनल की लिंक हो गई। आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट राज कंप्यूटर यूट्यूब सर्च करोगे ना, देन यू विल गेट चैनल, ओके। हाँ, और ये चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार, यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, यदि आपको कुछ कंसेप्ट डेवलप हो रहा है ना, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें।